नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया और आप देख रहे हैं जेएक्स न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। प्राणघातक हमला करने वाला फरार आरोपी गिरफ्तार, अकलतरा पुलिस ने की कार्रवाई। आरोपी विजय उमर 48 वर्ष निवासी अधियारी पाट अकलतरा पुरानी रंजिश पर से दिया था घटना को अंजाम। आरोपी से घटना में प्रयुक्त एक नग चाकू बरामद किया गया। आरोपी को जिला गोरेला पेंड्रा मरवाही से किया गया गिरफ्तार। मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 4/7/2023 को पीड़िता ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि आरोपी पूर्व में प्रार्थी के लड़की से छेड़खानी की रिपोर्ट पर जेल गए थे। उसी रंजिश पर से दिनांक 4/7/2023 को प्रार्थिया को हत्या करने, उसे जान से मारने की नियत से पहले से तैयारी कर अपने हाथ में रखे लोहे के धारदार चाकू लेकर मरवाही से अंधियारा पीठ अकलतरा आया और प्रार्थिया के अकेले में होने की जगह समय तलाश कर उसकी हत्या करने की नियत से ताबड़तोड़ धारदार चाकू से प्राणघातक वार कर फरार हो गया था कि सूचना पर आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 341/23 धारा 294, 506, 307 भदवी कायम कर विवेचना में लिया गया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए लगातार फरार आरोपी की पतासाजी की जा रही थी। मुखबिर से सूचना मिली कि ग्राम दानीकुंडी थाना मरवाही जिला गोरेला पेंड्रा मरवाही में छिपा है कि सूचना पर रेड कार्रवाई की जाकर आरोपी को हिरासत में लिया गया। विवेचना के दौरान आरोपी विजय उमर 48 वर्ष निवासी खिसारो अधियारा पाट अकलतरा के विरुद्ध अपराध धारा सदर का सबूत पाए जाने से विधिवत गिरफ्तार कर दिनांक 8/8/2023 को न्यायिक रिमांड में भेजा गया।